पे चलते हुए दो तीन बातें ऐसी होती हैं, अगर ड्राइवर ने उन पे ध्यान दे लिया तो लाइफ टाइम सेव चलेगा, वरना कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कि मोस्टली ड्राइवर्स करते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है, जैसे मैं नीचे चल रहा हूँ, ये हाईवे से नीचे सर्विस लेन मान लीजिए आप इसे, अब इसमें दो लेन है इसके अंदर भी, तो लोग सोचते हैं ये शहर के अंदर है, इसमें कैसे भी गाड़ी चलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, जो फर्स्ट वाली लेन है ये ओवरटेक की है, जो हाई स्पीड व्हीकल है इसमें से सिर्फ वही जाते हैं। जैसे मेरी स्पीड है 50 की स्पीड है मेरी, 60 की भी पूरी स्पीड नहीं है, तो मैं फर्स्ट लेन में से नहीं ले रहा हूँ। अब मुझे इसे ओवरटेक करना है, पीछे मेरी आ रही है I-20, तो पहले मैंने देखिए I-20 आ रही है ये, तो मैंने इसे पहले इंडिकेटर दे दिया है, उसने अपनी स्पीड स्लो कर लिया है, सामने से ट्रैक्टर आ गया, आप देख सकते हैं ये, तो ब्रेकिंग करूंगा मैं। अब ऑटो से पूरी कार आगे निकलने के बाद मैं कर रहा हूँ, देखिए अब ये लेफ्ट में आ दे रहा, तो इसे हॉर्न करके हम निकल लेते हैं। तो मैं जैसे कि कह रहा था आपको सावधानी से करना पड़ता है, ये ट्रैक्टर वाला था इसने राइट में ली, तुरंत ये लेफ्ट में जाने लग गया, तो ऐसे पागल आपको हर जगह पे मिलेंगे। जब भाई लेफ्ट में चलना तो फिर राइट में पूरे ट्रैक्टर को लिया ही क्यों। अब ये सामने PVR आ गया है, यहाँ से काफी ज्यादा व्हीकल निकल के आते हैं इस लेन में से, तो कभी भी आपको ऐसी लेन ऐसा रोड दिखाई जाए जिसमें से कि व्हीकल निकल के आते हैं कोई भी कट हो, तो आप वहां पर एक्सेलेरेशन छोड़ दीजिए, भले या ब्रेकिंग ना लीजिए, सिर्फ एक्सेलेरेशन छोड़ दीजिए। इससे कि क्या होगा, आपको अचानक से ब्रेक करनी पड़ जाएगी तो आप ब्रेक तो मारोगे, साथ के साथ आपकी इंजन ब्रेकिंग भी होगी, लेकिन अगर आप एक्सेलेरेशन पर पैर रखोगे तो भाई रोड का काम 1 सेकंड का ही होता है एक्सीडेंट का, बिल्कुल जब तक आप एक्सेलेरेशन से ब्रेक पर पैर लाओगे जब तक एक्सीडेंट हो जाएगा। सामने सिग्नल आ गया है, सिग्नल से पहले एक्सेलेरेशन छोड़ दिया, ब्रेक पर पैर रख लिया मैंने। अब गियर शिफ्टिंग तुरंत ना करें, देखिए अभी तक फिफ्थ गियर में है कार, अब इसको एक गियर छोटा कर चौथे में कर दिया है, अब इसको तीसरे में कर दिया है, तो ऐसे करके गियर शिफ्टिंग करें, अब इसको दूसरे में कर दिया है। लोग क्या करते हैं, जैसे कि कार टॉप गियर में चल रही है तो टॉप गियर में चलने के बाद क्लच दबा लेंगे और जब रोकना पड़ जाएगा तो फिर कार को बिल्कुल अचानक से रोक देंगे, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। अब जाना है मुझे फोर्थ लेन में, तो मैं देखिए चल दिया। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि आपको रोड पर चलने के लिए हमेशा ध्यान रखना।